वर्ष 1925 में अपनी स्थापना से वर्तमान समय तक संघ ने संपूर्ण भारतीय समाज को संगठित कर भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा था वह साकार होने के पथ पर अग्रसर है। इस कार्य को गति दे रहे हैं संघ के स्वयंसेवक। संघ के स्वयंसेवक अपने कार्यों और जीवन यात्रा में संघ के मूल दर्शन से जुड़े रहते हैं। संघ की कार्य पद्धति तात्कालिक अथवा दीर्घकालिक परिवर्तन को ध्यान में रखकर नहीं अपितु सतत परिवर्तन को ध्यान में रखकर विकसित होती रहती है। शायद यही कारण है कि 97 वर्ष की इस यात्रा में संघ की समाज में स्वीकार्यता लगातार बढ़ी है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दुर्भाग्य से संघ के प्रति अज्ञानता और पूर्वाग्रह रखने वाला एक वर्ग भारत में भी विकसित हुआ। वास्तव में यह संघ विरोधी मन नहीं था, यह अंग्रेजों की मैकाले नीति से प्रभावित राष्ट्र विरोधी स्वर था, जिसका विचार चिंतन और जीवन पद्धति अभी भी अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली और यूरोपीय जीवन शैली से प्रभावित थी। इन्हें जब भी अवसर मिला इन्होंने संघ को नीचे गिराने, संघ की गलत छवि समाज में प्रस्तुत करने और संघ के विषय में संघ की मूल अवधारणा के प्रतिकूल दुष्प्रचार करने में अपनी सारी शक्तियों को लगाया। लेकिन कहते हैं सत्यमेव जयते, और हो भी वही रहा है। अंततः ऐसी शक्तियां पराजित होती दिखाई दे रही हैं। संघ धीरे धीरे ही सही किंतु भारतीय जनमानस में उस राष्ट्रीय बोध और राष्ट्रीय गौरव को जागरूक करने में सफल हुआ है जिसके उद्देश्य से उसकी स्थापना हुई थी। वह था संपूर्ण भारतीय समाज को संगठित कर भारत को परम वैभवशाली राष्ट्र बनाना। संघ कभी भी अपने कार्यों के प्रचार पर बल नहीं देता, वह राष्ट्रीयता के प्रसार पर विश्वास रखता है। संघ स्वयं सेवक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। संघ की इस निस्वार्थ नीति का लाभ संघ विरोधी ताकतों ने खूब उठाया। कुप्रचार के इस जाल को तोड़ने के लिए 1990 के दशक में संघ में प्रचार विभाग का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों तथा भाषाओं में जागरण पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। जन सामान्य तक संघ की विचारधारा और संघ के द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में सूचना दी जाने लगी। समाज में संघ की स्वीकार्यता और संघ के प्रति समाज के जुड़ाव का अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि समाज में जब जब स्वयंसेवकों द्वारा जन परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की यात्रा निकाली, समाज ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह चाहे भारत माता और गंगा माता के सम्मान का भाव जागृत करने के लिए एकात्मता यज्ञ यात्रा हो या फिर आपातकाल के विरोध में जन आंदोलन, चाहे वो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े भगवान श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए रथ यात्रा निकाली हो या फिर भारत की संप्रभुता को लेकर कश्मीर में आतंकवाद के विरुद्ध 1980 के दशक में एकता यात्रा। कश्मीर की अगर बात करें तो आतंकवादियों के द्वारा अमरनाथ यात्रा को बंद किए जाने के पश्चात इसे प्रारंभ करने के लिए जन आंदोलन जैसे अनेक अभियान हुए जिनमें स्वयं सेवकों की प्रमुख भूमिका रही और जिसके चलते हिंदू समाज जागरूक और संगठित हुआ। हम कह सकते हैं कि विरोधियों को चित कर संघ की सामाजिक स्वीकार्यता जागरूक समाज के हृदय में स्थापित हो चुका है और राष्ट्र निर्माण के पथ पर संघ बिना थके और बिना रुके बढ़ रहा है।